इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मुझे स्वीकृति दो कि मैं आपके ओरा में आऊं, मैं आपके आभा मंडल में प्रवेश करूं। ऐसा शासन मिलना नहीं है, और जो इस शासन को समझ नहीं पाया वो दुशासन के अलावा कुछ नहीं बना। दो ही शासन है, एक जिन शासन है, एक दुशासन है, तीसरा शासन है ही नहीं। जो जिन शासन में है वो जयवंत है, और दुशासन में रहकर के भीष्म पितामह नहीं जीत पाए, द्रोणाचार्य नहीं जीत पाए, कर्ण नहीं जीत पाया। जो जो दुशासन में रहा उसकी एक ही नियति रही, बुरी तरह से हारना। जो जो जिन शासन में रहे वो जयवंत बने। तो मरीची इंतजार करता है कब सवाल पूछूं, कब सवाल पूछूं। और भरत को अब उसको, और जैसे पिताजी सिंहासन से सारे अपने दायित्व को निर्वाह करते चले, तो मरीची साथ में हो गया है कि पेशेंस एक लेवल पर पहुंच चुके थे। जैसे कक्ष में पहुंचे, भरत अपने वस्त्र परिधान चेंज करे उसके पहले मरीची ने भरत से पूछा, पिताजी, बोल बेटा, आज उस व्यक्ति को आपने प्रणाम नहीं किया, उस व्यक्ति ने आपको प्रणाम किया है, क्या कारण? बच्चे तुम्हारा एक एक चेंजेस नोट करते हैं, तुम बाकी सबके सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हो, बच्चों के सीसीटीवी कैमरे से तुम बच नहीं सकते हो। बहुत शार्प है वो। और भरत को, मरीची को देख करके आश्चर्य हुआ, इतनी छोटी सी एक बात ये नोट करता है। और मरीची ने पूछा कि कुछ दिन पहले आया था तो आप उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे, और आपने कहा था कि इसका बल बहुत ज्यादा है, मुझे इसके बल की जरूरत है, इसलिए मैं इसको रिस्पेक्ट दे रहा हूं। आज आपने उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया? भरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास तन का बल उसके जितना नहीं है, लेकिन मेरे पास अब दो बल उससे ज्यादा हो गए। एक मेरा संगठन का बल और दूसरा मेरा शस्त्र बल। अब मेरे संगठन बल की और शस्त्र बल की उसको जरूरत है। मैं अब उस योजना में लगा हूं कि पूरी दुनिया में तेरे दादा का राज्य स्थापित करना है। भरत की भाषा सुनना है, वो ये नहीं कह रही कि मेरे पिता का शासन साम्राज्य स्थापित करना है, तेरे दादा का है। दादा के साथ जोड़ने के तरीके होते हैं। अपनी संतति को अपने छत्र के साथ जोड़ने के तरीके होते हैं, और ये छोटे छोटे अवसर लोग ऐसे खो देते हैं कि सौभाग्य के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तेरे दादा का साम्राज्य मुझे पूरे विश्व में स्थापित करना है। तेरे दादा ने जो मुझे सपना दिया है उस सपने को मुझे पूरा करना है। मरीची ने पूछा, क्या होगा उससे?
बोले मैं चक्रवर्ती कहलाऊंगा। और जो चक्रवर्ती बनता है उसको देवता भी रिस्पेक्ट देते हैं। मरीचि को भरत बता रहा है। उसके सामने कोई सीधी गर्दन करके खड़ा नहीं होता है। मरीचि ने स्वयं को पलटा है। आई वॉन्ट टू बी चक्रवर्ती। जिसको सम्मान मिलता है लोग वही बनना चाहते हैं। जिसको सम्मान नहीं मिलता वो बनना नहीं चाहते। आप चेक कर लो, ये सबकी मनोवृत्ति है। ये मनोवृत्ति को समझना, ये महावीर गाथा है और ये महावीर बनने की कथा है। बिना सपनों के कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता है। इसलिए सबसे पहले कुछ चाहिए तो सपने चाहिए। जितने भी हमारे अरब मिज्जा के प्रोग्राम चलते हैं उसका सबसे पहला जो ट्रेनिंग का सेशन होता है वो होता है सपने का। तुम्हारा सपना क्या है और कहने कैसे सपने डिजाइन करने, कैसे सपनों को जिंदा रखना है। केवल डिजाइन करके काम नहीं चलता है, उसको जिंदा भी रखना पड़ता है। और सपनों को जिंदा रखने की कला भी उसमें सिखाते हैं। और ये देखो ना, ये सारे सपनों को जिंदा रखने वाले लोग तुम्हारे बीच आज भी हैं। आपको लगता होगा कि अरब मिज्जा के ट्रेनर आ रहे हैं, लेकिन अरब मिज्जा के ट्रेनर की दूसरी पहचान आपको देनी हो तो एक ही पहचान है, एक सपने के लिए जीने वाले लोग हैं। आपको लगता होगा कि प्रोग्राम के लिए जी रहे, प्रोग्राम के लिए नहीं। प्रोग्राम तो केवल उसका टूल्स है, एक माध्यम, एक रास्ता है। ये जीते हैं सपने के लिए। रायपुर वाले देख रहे हैं कि रोज आते हैं लेकिन कभी किसी ने तुम्हारे से बता दो, किसी ने तुम्हारे से कोई VIP सर्विस मांगी हो। कोई आरामी जाके ट्रेनर ने तुमसे कोई कंप्लेंट करी हो कि एक सपने के लिए जीते हैं। ये आते हैं तो उसी के लिए आते हैं। इसलिए आप एक दो चेंजेस, दो अंतर आराम से देखोगे। कुछ लोग दर्शन के लिए आते हैं, चले घूमने को, नो सामायिक, नो प्रतिक्रमण। और मे भी प्रवचन में भी वो समय पर नहीं आएंगे। और आप देख सकते हो अरब मिज्जा के टनर को, वहां से आए तो यही है। और जब तक यहां का मंगल पाठ नहीं होता है तब तक कोई अरब मिज्जा का ट्रेनर आपको पूछेगा नहीं कि रायपुर में देखने जैसा क्या है, कि चखने जैसा क्या है। आप अपने ऑफिस में चेक कर लेना, जो पूछे ना इधर उधर घूमने की जगह क्या है, वो अरब मिज्जा का ट्रेनर है ही नहीं। ये आते गोल के साथ, जीते हैं गोल के साथ, केवल मेरे सामने ही नहीं। दियावा रावा एगवा परिसागवा सुत्तेवा जागर मानेवा, सपने जिंदे रखने की ये परमात्मा ने मंत्र दिए कि चाहे सो तो भी सपना नहीं सोना चाहिए। तुम कभी अकेले मत रहो, अपने सपनों के साथ रहो। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सोए हुए हो, चाहे जागे हुए हो, चाहे सभा के बीच में हो, चाहे अकेले हो, जो अपने सपनों से कभी जुदा नहीं होते उनके सपने कभी उनसे जुदा नहीं होते। अरे दैश्यकालिक का पाठ है, मैंने जो पाठ सुनाया आपको कहाँ का है, दैश्यकालिक का है।
दियावा रावोवा येगवा परिसागवा सुत्तेवा जागर मानेवा। मैंने दो दिन पहले भी कहा था आपको, पाठ तो वही पर है लेकिन डिक्शनरी, बिना डिक्शनरी के मीनिंग नहीं निकलता है। मरीची ने अपने पलटा नहीं, आप तो ऐसा बनना है, ऐसा बनना है कि चाहे जो बलशाली हो वो मत्था झुकाए और देखता है भरत के तरफ। मन ही मन भरत को प्रणाम करता है, मन ही मन प्रणाम कर रहा है। भरत ने देखा मरीचि को, पूछा क्या चल रहा है, तुमने अपने बेटों के बच्चों के कभी चेहरे पढ़ने का प्रयास किया? हेलो हाँ? नहीं, मेरा चेहरा क्यों फिर पढ़ देता? कंटिन्यू मेरा चेहरा पढ़ते रहते हैं। भरत ने मरीचि का चेहरा पढ़ रहा है और उसने पूछा मरीचि से, बेटा क्या चल रहा है मन में? बेटा मुस्कुराया, बोले पिताजी आशीर्वाद दो कि मैं भी चक्रवर्ती हो जाऊं। और बाप ने बेटे से एक बात कही, बेटा चक्रवर्ती का उत्तराधिकारी कोई नहीं होता है, चक्रवर्ती का नहीं होता है। तो मरीचि ने कहा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है ना, अधिकारी तो हो सकता है ना, विरासत में नहीं मिल सकता है लेकिन विरासत बना तो सकता हूं ना। किसको कहते उत्तराधिकारी और किसको कहते अधिकारी? जिसको विरासत मिलती है वो उत्तराधिकारी होता है और जो विरासत बनाता है वो अधिकारी होता है। क्या बनना चाहोगे? मत बनो। यस, मैं कह रहा हूं मत बनो। क्यों मना कर रहा हूं? ये कथा कौन कह रहा है? किसने किसको कथा पूछी है? याद है कि भूल गए? ये कथा कौन कह रहा है, किसने पूछी है और कौन जवाब दे रहा है? जम्बू स्वामी ने पूछी है और सुधर्मा स्वामी उत्तर दे रहे हैं। और सुधर्मा स्वामी अधिकारी नहीं उत्तराधिकारी है। अरे उत्तराधिकारी है इसलिए महावीर हमारे पास पहुंचे हैं। यदि महावीर के उत्तराधिकारी नहीं बनते तो महावीर हमारे पास न होते। इसलिए अधिकारी एक है लेकिन उत्तराधिकारी 11 बन गए थे और 11 में से एक ही आगे चला है। 11 में से एक ही आगे चला है। अपन तो केवल क्या बने? बोलो बोलो, यहां कौन कौन दादा बैठे हुए हैं? और आपने देखा होगा कई बार दादा, कई बार दादा के कंधे पर पोता बैठता है। बेटा कभी बाप के कंधे पर नहीं बैठता है और पोता दादा के कंधे पर बैठे बिना रहता नहीं और दादा को भी मजा आती है और दादा के कंधे पर बैठ करके पोता कहता है दादा मैं आपसे भी ऊंचा हूं। क्या कौन बोल सकता है? और किसके कंधे पर बैठ करके?
तो यार दादा के कंधे पर बैठ करके दादा से ऊंचा हो सकते तो फिर अधिकारी बनने की जरूरत क्या है। सीधा सा गणित। भरत ने जब मरीचि को कहा कि उत्तराधिकारी चक्रवर्ती का होता नहीं कोई चक्रवर्ती, उत्तराधिकार में बनता नहीं है, तो मरीचि ने कहा मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं, आप भी उत्तराधिकारी में नहीं बने हो, मैं भी उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, मैं भी अधिकारी ही बनूंगा। और भरत ने मरीचि की तरफ देखा, गले से लगा लिया। किसी भी बाप को उस समय जो खुशी मिलती है कि अपना बेटा इतना ऊंचा सपना देख सकता है, और उस खुशी में भरत ने अपने बेटे को दिल से तमन्ना दी, मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा बेटा भी चक्रवर्ती बनेगा। समय बीतता है, आयुधशाला की सारी प्रक्रिया चल रही है, रोज की खबर भरत ले रहा है अपने पिता की, रोज की खबर ले रहा है, पारने की खबर मिल चुकी थी, पारने की अगली साधना चलती रही थी। कभी सोचा आपने कि जिस समय ऋषभदेव ने पारना किया होगा और भरत को खबर मिली होगी, जैन मेथोलॉजी समझाने के लिए कह रहा हूं बात आपसे, ऋषभदेव का पारना बेटे ने नहीं कराया, किसने कराया याद रखो, है ना, याद रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।